तुम्हें भारतीय संविधान सरकार हमसे डरती है। हम देखेंगे आप देखेंगे हमारे को यही है। देखो मैंने बोल दिया ना आपको, आप उधर रुको सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ मना हो तुम भी कायदे सत्कार करना है ये अच्छा काम और आप क्यों रोक रहे हैं अच्छे काम में हमारे को सारे कार्यकर्ता सारे पार्टियों के अंदर है, हमारे से क्या परहेज है आपको? तुम बीजेपी के हमसे क्यों परहेज? ये दूजा भाव क्यों? इसका मतलब तुम जातिवाद कर रहे हैं हमारे साथ, इसलिए पुलिस को आगे कर रहे हैं। जातिवाद है ये, वो लोग अंदर ही कर रही है सरकार। वातावरण खराब नहीं होना बोल के, हमने नहीं करना। सबसे पहले साहब नारे उन्होंने मारे, हमने नहीं मारे नारे, हमने थोड़ी नारे मारे साहब, उन्होंने नारे मारे। आप लोग तय कर लो, उसमें मैं भी चलेगा। ट्रेन पहुँचने से पहले ना माल वैजापुर पहुँचता हूँ सर, मतलब आप अपना सरदर्द अगर यहाँ से हटा के अगर वैजापुर में देना चाह रहे, मनमाड़ में देना चाह रहे, तो हमारी तैयारी है उसके लिए। हमारी वजह से तो पालक मंत्री आके बैठे, हमारी वजह से करार साहब का नाम आया हुआ है सर, यानी अभी चुप चुप कर लिए लेकिन यही तो खास बात है ना, उसके अंदर महिलाओं को आगे कर रहे थे। मैं सोचा कि कोई आया होगा उसके अंदर मर्द, तो कोई भी नहीं आया था पीछे से, सारी महिलाएं आ रही थी मेरे पीछे। रेलवे थांबवली जाणार का कारण तुम्ही म्हणताय तुम्ही काही लोक ठेवलेले आहेत? मी मला फोन आला होता की आमचे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेऊन गेलेली आहे, आम्ही आम्हाला नाही मिळाले तर आम्ही निघून आगे, पुढे आमची तयारी आहे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी, अगर ट्रेन रुकेगी कहीं पर भी ट्रेन रुकेगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी औरंगाबाद पुलिस के ऊपर रहेगी। मैंने उनको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये आंदोलन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, इसके पीछे का एक मकसद है कि दानवे साहब और प्रधानमंत्री कार्यालय ये समझ रहे हैं कि रेलवे इनकी जागीर है, रेलवे इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने बना दिए हैं, और यहाँ पर इसके उद्घाटन के अंदर सिर्फ हमारे भाजपा के लोग रहेंगे, ना उनके सहयोगी शिवसेना वाले रहेंगे। अगर उन्होंने गलती नहीं किए होते तो रात में 1 बजे नई पत्रिका छाप कर क्यों दिए हैं? क्या वजह है कि सबके नाम उसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती थी, और बाकी तुमसे कोई लड़ने की ताकत नहीं रखता है, इसलिए नहीं रखता है
कि किसी ना किसी को आईटी का डर है, किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, मैं डट कर खड़ा हूँ। और मैं दिल्ली तक रेलवे के लिए कई मरतबा आवाज़ उठा चुका हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे, वो भी यूट्यूब के ऊपर जाए और देखे कि इम्तियाज़ जलील जब लड़ रहा था अपने मराठवाड़ा के विकास के लिए, तो इनके खासदार और इनके नेते वहाँ पर सिर्फ टेबल बजा रहे थे मोदी 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 करके। तो वही काम तुम करते रहिएगा, मेरी लड़ाई मराठवाड़ा के विकास के लिए जारी रहेगी। जय श्री कृष्णाची कृपा आहे, जय श्री रामाचा जय जयकार करतो आहे आणि मोदी साहेबांचं आम्ही अभिनंदन करण्यासाठी आम्ही जय श्री राम आहे। आम्ही दरवेळेस कोर्टला देतो कोण आहे जलील आहे, त्याच्यासाठी आम्ही नाही करणार। श्रीरामाचा त्याची तुलना करू शकत नाही। त्याला उत्तर देण्यासाठी आज आम्ही सगळे आज इथं जमलेलो आहोत आणि आज ही विकासाची गंगा मोदी साहेबांनी मराठवाड्यात आणली आहे आणि त्या विकास गंगेला आडवं जाण्याचं काम हे काळी माणसं करत असेल त्याचा तीव्र निषेध आम्ही इथे करतो। मैडम आज जो है मराठवाड़ा में बहुत जोश और खुशी का माहौल है। आज वंदे भारत यहाँ से गुजरने वाली है और जालना से मुंबई, तो ऐसे में सियासत गरमाई हुई है, तो क्या कहेंगे आप? देखो सियासत के बारे में तो बाद में बातें होती रहेंगी, सियासत तो चलती रहेंगी, लेकिन ये जो विकास के काम है और जो वंदे भारत यहाँ से जा रही है, इसलिए मैं ये अपने माननीय पंत प्रधान और अपने केंद्रीय राज्य रेलवे मंत्री, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मराठवाड़ा के लोगों को इसकी ज़रूरत थी और वंदे भारत यहाँ से जाना यानी थे यहाँ रोजगार बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी और इससे वो ज़्यादा होगा। रही बात आपने सियासत की बोली है, तो सियासत के लिए तो पूरे उम्र पड़ी है सियासत करने के लिए, किसका नाम आएगा किसका नाम नहीं आएगा, तो ये अभी सियासत करने का वक्त नहीं है। ठीक है, प्रशासन की ओर से, रेलवे प्रशासन की ओर से कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन वो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये जो माहौल है ये माहौल को अभी ख़राब नहीं करना चाहिए और सबने ये जो उद्घाटन हो रहा है उसमें शामिल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई इम्तियाज़ जलील ने और उनका ही नाम गायब हो जाता है, तो इसमें किसकी चूक मानते हैं आप? देखो किसने आवाज़ उठाई, किसकी चूक हो गई, अभी ये टाइम नहीं है ये गिनने का। अभी टाइम है जो अपने तरफ आ रहा है उसका स्वागत करने का, उसमें शामिल होने का, और जो हमने आवाज़ उठाई थी उसका अगर हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, तो फिर उनको भी अच्छा लगना चाहिए ना। ठीक है, मान अपमान चलता रहेगा, लेकिन इसकी अभी ये टाइम नहीं है सियासत करने का। कल यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ था, यहाँ पर MIMB कार्यकर्ताओं ने बहुत सारा हंगामा किया। देखो MIMB के कार्यकर्ता हो या अपोजिशन के कोई भी हो, उनका तो काम ही है, थोड़ी भी चूक होती है तो उनको तो ये करना ही है, उनका काम है, उनके पक्ष के लिए उनके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन अपने मराठवाड़ा के विकास के लिए और छत्रपति संभाजी नगर के लिए अभी ये करना उचित नहीं है। ये सियासत करने का, बार बार मैं वही बोलती हूँ, ये सियासत करने का टाइम नहीं है, अभी ये अपने का विकास का टाइम है और ये जो विकास की ट्रेन है वंदे भारत है उसका स्वागत करने का समय है। मैं सबको अपील करूँगी कि कोई भी गर्मजोशी से आके यहाँ कोई सियासत ना करे और यहाँ आके ये वंदे भारत का स्वागत करने के लिए
हर एक नागरिक यहाँ आना चाहिए और वंदे भारत का स्वागत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।